तो ज्यादातर हिस्से इस वक्त देश के गर्मी का प्रकोप झेल रहे हैं। राजस्थान के चुरू में तापमान 50 डिग्री के पार पहुंच गया, तो हरियाणा के भिवानी में भी पारा 48 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लेकिन कई ऐसे भी इलाके हैं जहां पर भीषण गर्मी से राहत मिली, लेकिन ये राहत मुसीबत लेकर आई। उत्तराखंड में दो जगह पर बादल फटा। अल्मोड़ा में बादल फटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, बादल फटने के बाद किस तरह के हालात हैं, अचानक सूख गई नदी में पानी बढ़ने लगा, उसके आगे क्या हुआ, रिपोर्ट में देखिए। कोई नुकसान ना हो गया हो यार। मम्मा ये लो। पानी बढ़ता ही जा रहा है। कितना पानी बढ़ गया देखो। ये तस्वीर बयां कर रही है कि बादल फटने के बाद कैसा मंजर होता है। दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, दिमाग में दहशत छा जाती है। ये तस्वीरें देवभूमि उत्तराखंड के अल्मोड़ा की है। यहाँ अचानक बादल फटा और इसके बाद की तस्वीर आपके सामने है। जो नदी सूख चुकी थी उसमें अचानक पानी बढ़ने लगता है। कीचड़ से सना हुआ पानी तेजी से नदी के रास्ते को अपने में समाने लगता है। देखते ही देखते सूख चुकी नदी पूरी लबालब भर गई और उसमें बाढ़ आ गई। बादल फटने की घटना अल्मोड़ा के चौखुटिया के खीड़ा और असेधी गांव में हुई। बादल फटने से एक मकान और 3 गौशाला बह गए, कई जानवर भी बह गए। बादल फटने की दूसरी घटना की तस्वीर देखिए। यह है उत्तराखंड के ही चमोली की तस्वीर। यहाँ के गैरसन ब्लॉक के लामगढ़ गांव में बादल फटा। बादल फटने से पानी का जो सैलाब आया वो अपने पीछे मलबे और कीचड़ की तबाही छोड़ गया। रास्ते पर कीचड़ इतना भर गया कि लोगों को चलने में भी मुश्किल आ रही थी। बादल फटने से कई खेत बह गए, सड़कों को नुकसान पहुंचा। हमारे कितना नुकसान हो गया, 2 टुकड़ा था, पूरा बह गया गंगानगर में, हम क्या खिलाऊं अपने बच्चों को। चमोली में बादल फटने से 80 साल के एक व्यक्ति की मौत हो गई। उत्तराखंड में ही गढ़वाल के श्रीनगर में भी मौसम ने करवट ली। तेज आंधी और धूल के गुबार ने पूरे शहर को घेर लिया। उसके बाद तेज बारिश हुई, दिन में ही रात हो गई, गाड़ियां हेडलाइट जलाकर चल रही थी। उत्तराखंड के बाद आपको दक्षिण भारत की तरफ लिए चलते हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भी तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई। पश्चिम बंगाल में भी रविवार को भारी बारिश हुई। यहाँ कोलकाता, मालदा, मुर्शिदाबाद, बारासात, बसीरहाट में भारी बारिश हुई। वहीं महाराष्ट्र के कई इलाकों में भी बारिश हुई। नासिक की सबसे बड़ी प्याज मंडी लासल गांव में रविवार को अचानक बारिश होने से खुले में रखी प्याज को नुकसान हुआ। बारिश करीब 30 मिनट हुई। ये मानसून पूर्व की बारिश है, इसलिए व्यापारियों ने पहले से कोई तैयारी नहीं की थी। लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों से बारिश की इन तस्वीरें उत्तर भारत के उन इलाकों के लोगों को सुकून दे रही होंगी जहां गर्मी और लू के थपेड़ों ने जीना दुश्वार कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।